खैर आज जो है भाई बहुत दिन बाद हम बलरामपुर में आए हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि भाई ठंडी हो गई बाय बाय, पर देखो भाई ठंडी बाय बाय नहीं हुई, ठंडी तो भाई अब आ गई। आज धूप बहुत ही डिम निकला है तो थोड़ा थोड़ा भी ठंडी लगने लगा था, तो मैंने इसे पहन लिया कि भाई गाड़ी चलाने में थोड़ा ठंड ना लग जाए। इधर देखो इन कबूतरों को, अभी दाना पानी कर रहे हैं, खेत में आए हैं। पिछले कई महीनों के बाद मैं इधर साइड में नंबर लगा है कि वीडियो बनाऊं। इधर एक भट्ठा पड़ता है, इधर देखो ईंटे उटे की पथाई हो रही है, मतलब अभी नया नया ईटा, तो फिलहाल बरसात में बंद हो गया था और फिर से इसकी शुरुआत हो गई। सोच रहा हूँ किसी दिन यहाँ पे वीडियो बनाऊं। अभी जो है देखिए हम आ गए हैं इकौना के बाईपास पे, और आप देख सकते हो कि बाईपास भी कितना प्यारा लग रहा है आज के समय में। आज की ठंडी भी भाई बहुत ही अजीब है, अगर कहीं भी रुक जाओ तो गर्मी लगने लगती है, और अगर जैसे ही गाड़ी चलाओ भाई ठंडी लगने लगती है। और इधर अभी ये जो पीछे दिख रहा है ये वाला, ये इटिया ठोक का फेमस दही बड़ा है, मतलब खाया था इटिया ठोक का फेमस दही बड़ा इटिया ठोक में खुद जाके, मतलब उसी का काफी होगा ये। Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. ये देखिए ये जो थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा है ये है रेणुका द्वार मंदिर का मेन गेट। और इधर भी आपको दिखाते हैं, इधर देखो ये है रेणुका द्वार का मेन मंदिर। का जो मौसम है फिलहाल ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए सही से नहीं दिख रहा है पूरा सीन। सबसे पहले देख लीजिए ये है पूरा फील्ड ग्राउंड यहाँ का, और यहाँ पर जो ये जगह दिख रहा है यहाँ पे थोड़ी सी गिट्टी पड़ी हुई है, ये देखो ये गिट्टी है। यहाँ पे मंच बनाया गया था, यहीं पे प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था कुछ दिन पहले। जब भाई प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा था, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी भाई कि मैं तो आ नहीं पाया था। हमारे उधर साइड के कुछ लोग आए थे और मुझे भी कहा था कि भाई चलो थोड़ा सा देख के आते हैं प्रधानमंत्री जी को कि किस तरह से हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अगर नज़दीक से हम जा नहीं पाएंगे तो जाने से क्या फ़ायदा है, बस इसीलिए नहीं गए। और इधर साइड में गोपियापुर मार्केट पड़ता है, गोपियापुर मार्केट से और इधर पड़ता है हरिहरगंज मार्केट, मतलब हरिहरगंज मार्केट से इधर जाम और गोपियापुर मार्केट से इधर जाम, पूरा जाम ही जाम लगा था। यहाँ पे अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो बताते हैं कि मतलब उधर पूरा खेत जो पड़ा है उधर साइड में और चारों तरफ, मतलब जितना भी खेत है चारों तरफ सब खाली करवा दिया गया था, इनको मतलब मुआवजा भी दे दिया गया था। और उसके बाद में मतलब अब तो भाई लगभग उसकी फिर से जुताई वोताई करके और फसल बो दिया गया है। ये वाला है, ये मेन हाईवे है इकौना से बलरामपुर जाने के लिए। यहाँ पे देखो अभी चूना उना पड़ा हुआ है। ये देखिए रेणुका द्वार मंदिर का मेन गेट अब सही से दिख रहा है इधर से। ये है पूरा फील्ड, यहाँ पे पहले गिट्टी पिसाई वाली मशीन लगी थी। गाड़ी देखो सबसे ज्यादा गाड़ी है इनके पास। चलिए खैर अभी हम तो बलरामपुर में आ गए हैं। बलरामपुर में आने का मेरा एक ही मेन कारण था, मतलब ज्यादा कुछ काम वाम नहीं था यहाँ पे, बस चंपू का जो छोटा सा ये वाला मोटरसाइकिल था उसको भाई सही करवाना था, तो उसको ही पूछने आए थे कि भाई यहाँ पे सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहीं से बलरामपुर से ही लिया था, तो अभी मतलब जहाँ से लिए थे वहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं वहाँ पे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे बन जाएगा कि कहीं और ले जाना पड़ेगा। छोटा वाला जो चप्पू का गाड़ी था काफ़ी दिन से ख़राब रखा है, तो उन्होंने कहा कि जाके पूछ कराओ, बन जाता है तो बनवा दो। और अभी आप पीछे देख सकते हो ये वाला, ये हांडा का एजेंसी है, और यहाँ पे बहुत ही गाड़ी, मतलब देखिए सबसे ज़्यादा गाड़ी मुझे लगता है कि बलरामपुर में यहीं पर है। अभी देखिए ये है वीर विनय चौराहा, हम आ गए हैं बलरामपुर वीर विनय चौराहे पर। ये वाली मार्केट में जाएगा ये वाली रोड, और इधर जो है तुलसीपुर रोड हमें चलना है, तुलसीपुर वाले रोड पर, इधर गोंडा और इधर पैराइच वाला रोड। अभी हम तुलसीपुर वाले रोड पे आ गए हैं, यहाँ से मुझे जाना है इधर इस वाले रोड पे, मतलब अस्पताल वाले रोड पे। क्या बात है भाई, अभी तो हम ढूंढते ढूंढते दुकान बहुत ही आगे आ गए, पर अभी तो भाई दुकान मिला नहीं हमें। ओम शिव साईं, दुकान इधर आ गई है और हम ढूंढ रहे थे भाई उधर,
इसीलिए तो मिल नहीं रहा था। दुकान मिल गई और बातचीत भी हो गई, हमने बातचीत सारा मतलब कर लिया है। और पता है भाई बाइक के दाम जो है बहुत बढ़ गई। हम जब ले गए थे बाइक को तो 6500 में मिला था, 6500 में। तो अब इस बार जब मैंने दाम पूछा तो पता है कितना हो गया रेट उसका, 11000। और अगर कोई लेना चाहे तो लास्ट 9500 में दे देंगे, ऐसा मतलब बताया। और अपने पुराने बाइक की बनवाई मतलब कितनी लगेगी पता है? 2200 रुपये करीब आसपास लगेगा। तो भाई बहुत महंगी बन रही है, चलिए फिर सोचते हैं, देखते हैं, बनवाना होगा तो लेकर आएंगे, यहीं पर रख देंगे, बन जाएगा। ये है बलरामपुर का मेन मार्केट, ये रोड जो है अंदर गया हुआ है और इसी तरह से पूरा मार्केट है यहाँ का। इधर डाक खाना पड़ेगा और फिर डाक खाना के बगल में वीर विनय चौराहा, और इधर जो है ये नूतन मार्केट है, अंदर बहुत सी दुकानें हैं। खैर आज जो है भाई बहुत दिन बाद हम बलरामपुर में आए हैं, मतलब इधर चौराहे से मतलब आए हैं, उतरौला जब हम गए हैं तो उधर साक्षर रास्ते से निकल के चले गए उतरौला, और इधर मतलब चौराहे से बहुत दिन बाद आ जाए, करीब 2-3 महीना तो हो गया होगा। अब जो है भाई भूख बहुत तेज से लग गई है, चाय पीने का मन कर रहा है, तो अभी चाय पी लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। सरदार जी का फेमस होटल अपना बता सर। यहाँ पे आके वाकई में चाय पानी पीना बड़ा मजा आता है। ये होटल का पूरा व्यू है, ये देखिए इधर है झारखंडी रेलवे स्टेशन। ट्रक देखो गन्ने भर भर के जा रहे हैं। यहाँ से बहराइच 63 किलोमीटर, लखनऊ 193 और लखीमपुर 178 किलोमीटर। खैर बलरामपुर से अभी बाहर निकल के आ गए हैं और सरदार जी का जो होटल है चाय नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत ही फेमस होटल है, वीर विनय चौराहे के बिल्कुल जस्ट बगल में ही पड़ता है। और बतासा वहाँ पे खाया, एक चाय पिया भाई, तो 20 का बतासा 4 बतासा 20 का, 10 रुपये का कुल्हड़ वाली चाय, तो मतलब इतना पिया खाया मजा आ गया भाई, अब चलते हैं। लगता है कि ठंडी की शुरुआत अब हुई है, तो अभी आ गए हैं बैक और इस वीडियो को अब यहीं पेंट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही सीन था, काम भी कुछ नहीं था, सिर्फ बाइक को पता करना था कि बाइक कितने में बन जाएगी, बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो बाइक को पता हो गया 2000 से 2200 रुपये का खर्चा उसमें लगेगा, तो फिर किसी दिन लाते हैं, फिलहाल लाएंगे तो दिखाएंगे आपको। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।